मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले इन्हें इसकी जरूरत नहीं लगी। इन्होंने हमेशा मराठी भाषा के सम्मान की मांग को अनदेखा किया। उन्हें अब भी परेशानी हो रही है, ये काम मोदी ने कैसे कर दिया, मोदी ने क्यों कर दिया। महाराष्ट्र के नाम पर राजनीति करने वाले अघाड़ी वालों का यही असली चेहरा है। साथियों, महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार ने कैसे काम किया है ये आज पूरी दुनिया भी देख रही है। आज विदेशी निवेश में, नए अवसरों में महाराष्ट्र पहली पसंद है। लगातार दो साल तक महाराष्ट्र विदेशी निवेश में नंबर वन रहा है। इस साल के पहले तीन महीने में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा विदेशी निवेश अकेले मेरे महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र को सभी निवेश परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन परियोजना, ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट, स्टील प्रोजेक्ट, ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये पोर्ट भी, बंदरगाह भी हमारे महाराष्ट्र में बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। साथियों, और जब जिस दिन मैं वाढ़वण पोर्ट के शिलान्यास के लिए आया था, उस दिन हमारे देवेंद्र जी ने पब्लिक में एक इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है, मोदी जी इतना सारा कर रहे हो, हजारों करोड़ लगा रहे हो, तो वहां एक एयरपोर्ट भी बना देना। उस दिन